नमस्कार, मैं हूँ योगाचार्य जितेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं शीतकारी प्राणायाम यानी शीतकारी कुंभक। कैसे करते हैं, क्या क्या लाभ हैं? सर्वप्रथम अपने होठों के बीच, दांतों के बीच जीभ को दबाते हुए यथासंभव, जितना संभव हो सकता है, लंबी गहरी श्वास भरें, यथासंभव रोकें और धीरे से दोनों नासिका मार्ग से निकाल दें। यानी सीसी की आवाज करते हुए हमें वायु लेनी है, लंबी गहरी वायु भरनी है, श्वास भरनी है, कुंभक लगाना है और धीरे धीरे रेचन करना है। बहुत ही सिंपल विधि है। एक बार संपूर्ण क्रिया मैं करके दिखलाता हूँ किस प्रकार हमने पूरक, कुंभक और रेचन करना है। नए साधक इसको थोड़ी देर करें, जितना लंबा गहरा हो सकता है, प्रयास पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरें। जितना धीरे करेंगे उतना लाभ होगा। पूरा भर जाने पर कुंभक लगा लें, यानी श्वास को भीतर रोक लें और जालंधर बंद लगा लें। इस प्रकार यथासंभव रोकें। हृदय रोगी बहुत अल्प समय के लिए रोक सकते हैं, थोड़ी देर हृदय रोगी रोकें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के व्यक्ति जालंधर बंद का अभ्यास ना करें और जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर धीरे से दोनों नासिका मार्ग से धीरे धीरे श्वास को निकालें। प्रयास करें जितना आप लंबा कर सकते हैं लंबा हो। इस क्रिया, इस प्राणायाम से जो साधक होता है कामदेव के समान बन जाता है। वैसी ही प्रतिभा, वैसी ही आभा साधक की हो जाती है। एक और अन्य लाभ है, भूख प्यास दोनों पर साधक विजय पा लेता है। उसके साथ साथ सुस्ती और आलस्य निद्रा पर विजय प्राप्त करता है। तो है ना, बड़े कमाल की ये शीतकारी। इसके अभ्यास से साधक अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है, उपद्रवों से बचा रहता है और वह निश्चित ही इस पृथ्वी पर एक सिद्ध योगी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। हम प्रायः इसके छोटे लाभ तक सीमित रह जाते हैं, यानी शीतकारी यानी ठंडक देने वाली कोई क्रिया। जी, याद रखना है कि हम दवा गोली जो खाते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने एक अमुक गोली खाई जिसका कार्य था मेरी किडनी पर प्रभाव डालना, उसको स्वस्थ बनाना, परंतु उसके साइड इफेक्ट्स होंगे कि मेरी भूख कम हो जाएगी, मुझे गैस बनेगी, इत्यादि इत्यादि साइड इफेक्ट्स। तो हम साइड इफेक्ट्स के लिए तो गोली नहीं खाते, हम खाते हैं उसके मेन इफेक्ट के लिए। तो याद रखिएगा कि शरीर को शीतलता देना यह इसका साइड इफेक्ट है। मेन इफेक्ट तो जो अभी बतलाया कि वह योगी सिद्ध हो जाता है, वह सभी उपद्रवों से बचता है, स्वयं कामदेव के समान हो जाता है, भूख प्यास पे विजय पा लेता है, निद्रा और सुस्ती दूर भाग जाती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्ते।